हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव फ्रॉम मरीन लाइफ विद शिव। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट रीगल टैंक। हम आज रीगल टैंक के बारे में सब जानेंगे। टैंक फिश कौन सी वैरायटी में आती है और क्या क्या खाती है और उसको किस तरह से रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे रीगल टैंक आ गई है। इसको पहले एक्लिमेट के लिए हम लोग डाल देते हैं बकेट के अंदर आराम से। यस, जैसा कि क्वारंटाइन के पहले जो प्रोसेस रहता है वो, उसका भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। और एक्लिमेट किस तरह से करना है, पैकेट से निकालने के बाद, टैंक में डालने के बाद, टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद, ये बकेट के अंदर जो एक्लिमेशन है, ये जो है ये आप देख रहे हो। यस, इसके पहले का जो वीडियो है किस तरह से करना है, क्या करना है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो अभी हमारा एक्लिमेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमारी नीमो जो है, डॉरी जिसको बोलते हैं, नीमो डॉरी जो आपने मूवी देखी है, जिसके लिए ये फेमस हुई थी फिश, जिसका नाम रीगल टैंक है, ब्लू हिप्पो टैंक है, ये फिश अब हमारे टैंक में जाने के लिए रेडी है। आपकी फिश आपकी कंडीशन जो है आपके टैंक की और आपके वाटर की बता देगी, क्योंकि उसका मूवमेंट अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, She is ready to go in the tank now. Okay. Blue Regal tank, जो fish है वो Indo-Pacific Ocean की मच्छी है। ये fish 12 इंच लंबी और कम से कम 20 साल तक जी सकती है। आपके टैंक की कंडीशन और आप उसका किस तरह से ध्यान रखते हैं उसके ऊपर निर्भर रखता है। Regal tank को कम से कम आप 4 फीट लंबे टैंक में रखिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बेस्ट साइज मरीन टैंक के लिए है 48 इंच बाई 24 बाई 18 या तो फिर हाइट 24। आप अच्छा टैंक दीजिए उसको साइज में 4 फीट कम से कम, और स्पेस अच्छी दीजिए उसको, हिडन स्पेस दीजिए, थोड़े रॉक्स डालिए जो कि वो स्विम करती रहे। जैसे कि आपने मूवी में देखा है, जैस स्विम जैस स्विम जैस स्विम, तो वो स्विम करती रहती है और उसको स्विम करना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, आप कभी भी रीगल टैंक अगर जो लेने जाए कहीं पे भी, तो मिनिमम टू मिनिमम बेस्ट साइज उसका परचेस करने का रहेगा आपके लिए। मैं रिकमेंड करूंगा 2.5 इंच से 3 इंच, क्योंकि जब भी फिश आती है आपके पास छोटी, तो वो पैरासाइट्स लेके आती है, क्योंकि ये टैंक वैरायटी है, तो टैंक वैरायटी में हमेशा पेट्स का प्रॉब्लम रहता ही है। तो कभी भी आप फिश लाएं तो उसको क्वारंटाइन प्रॉपरली कीजिए और उसको प्रॉपरली आप ट्रीट करके ही टैंक में आप डालिए, सो दैट वो फीडिंग प्रॉपर ले सके। अब फीडिंग से रिलेटेड जो है, फीडिंग उसको फ्लैक्स, सीवीड्स, समुद्री जो एल्गे है वो उनको बहुत पसंद है। आप उसको पैलेट भी फीड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, पानी की क्वालिटी, पानी का टेम्परेचर, पानी का एनवायरनमेंट, हिडन स्पेस, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का आप एनवायरनमेंट देंगे रीगल टैंक को तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी। आप अपने पानी के लेवल मरीन टैंक के, रीफ टैंक के मेंटेन रखिए, सो दैट कभी भी मच्छी को कोई प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रेस में ना जाए। इसके लिए आपको स्पेशल फीडिंग जो मैं सजेस्ट करूंगा, और ये क्या खाती है, नॉर्मली ये समुद्र में जब रहती है तो ये जू प्लैंटम जो होता है ये उसके ऊपर अपने आप को निर्भर रखती है, क्योंकि समुद्र के अंदर सीवीड्स, सी एल्गे और जैसे कि काई, एल्गे जो कि इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में काई बोलते हैं, तो ये काई को खाती है और जू प्लैंटम जो है वो इनका खाना होता है। कभी भी आप मच्छी को, रीगल टैंक को कभी भी आप दो एक साथ टैंक में ना रखिए, क्योंकि अगर जो आप एक दूसरे को साथ में रखेंगे तो वो
चेस करेगी, मतलब आपस में हमेशा भिड़ती रहेगी। तो इसीलिए अगर जो आप रीगल टैंक टैंक में एक रख रहे हैं, आपका टैंक अगर जो ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 फीट का है, 5 फीट का है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ एक ही टैंक डालिए। अगर जो बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है आपके पास, तो आप फिर 2 से 3 रख सकते हैं। यस, उसमें आपको हिडन स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेगी, सो दैट ये आपस में लड़ाई ना करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जब रीगल टैंक को खरीदते हैं तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नीमो मूवी के बारे में बात हो रही है और हम क्लाउन के बारे में कैसे नहीं बात कर सकते। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा दैट विल बी अबाउट क्लाउन फिश। यस, क्लाउन फिश के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, उसको लॉन्ग टेंटिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, एनीमोन में क्यों रहता है वो, और एनीमोन उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्या खाता है और किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करता है, कितने तरह के क्लाउन होते हैं, सब कुछ आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप शेयर कर देना। अगर जो आपको और अच्छे वीडियोज चाहिए सो पूरे वीडियो अच्छी तरह एंड तक देखिए, सो दैट आप कोई भी चीज छोड़े नहीं, नॉलेज आपको पूरी मिले, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, आपकी हॉबी अच्छी रहे और आपका टाइम सही से बीते।